अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम बच्चे, जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लें। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने प्रोफाइल लिंक सबमिट तो करवा दिया है, लेकिन उनकी प्रोफाइल पे कोई गिग नहीं है। तो बच्चे, अगर आपकी गिग नहीं होगी, एक्टिव गिग नहीं है, तो आप जो है ना नहीं ग्रेजुएट होंगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो आप लोगों में से जिन्होंने जस्ट प्रोफाइल सबमिट करवाई है और उस पर गिग नहीं है, तो बच्चे आप लोग प्लीज़ गिग जो है वो क्रिएट कर लें, अदरवाइज आपका बच्चे आज जो है ना गिग क्रिएट, एक स्पेसिफिक तो नहीं करनी, आज का जो एक लेक्चर है वो एक तरह से रिपीट भी है, और ये रिपीट करना ज़रूरी भी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में जो मेन चीज़ होती है ना वो यही होती है कि आप जो है ना किस तरह से अपने प्रोफाइल्स को एक्टिव रखोगे। खाली बच्चे, वालेकुम अस्सलाम, आज हम उस पर बात करेंगे। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये ही नहीं पता कि किस तरह से जो है ना बनेगा, कि यहाँ पर प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, गिग्स कैसे बनाते हैं, गिग्स अगर बनाए बना रहे हैं तो ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, अगर बन गई हैं मतलब पहले से हैं उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। अगर आपका काम अच्छा जा रहा है और अचानक आपके काम में कोई इशू आ जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये जो है ना कुछ फ्यूचर के भी आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा जो आपको फ्यूचर में हेल्प आउट करेगा। तो वो वाली सारी चीज़ें जो है ना हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में, और इसमें हम प्रोफाइल क्रिएशन, गिग क्रिएशन और फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन को प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा करेंगे, ताकि सबको जो है ना अच्छे से समझ आ जाए। बच्चे, अपवर्क पे जो है ना बहुत अच्छा एक होता है ना कि आपको काम मिलता है, वो अपवर्क पे मिलता है, बट देखिए फाइवर पे भी हम ये नहीं कह सकते कि फाइवर कुछ भी नहीं है। फाइवर पे ज्यादातर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑर्डर फाइवर पे ही आते हैं, बट अपवर्क पे ये नहीं है कि ऑर्डर आते नहीं है। अपवर्क में थोड़ा सा ये होता है कि वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस जो है ना वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपको कम से कम इतना पता हो कि आप जो है ना ये अभी तो आपको ये पता ना कि ये स्किल मुझे आती है, ठीक है आपको आती है, आपको बहुत बहुत सी चीज़ें लाइक अगर आप इसमें जाएं कीवर्ड रिसर्च में जाएं तो आपको कीवर्ड रिसर्च तो आती है, लेकिन अगर वहां पर कोई बंदा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो अभी मैंने बताया ही ना हो, मेरे साथ कभी वो चीज़ हुई ना हो या मेरे माइंड में ना हो या कुछ इस तरह की बात हो जाए, तो आपने जब तक वो खुद एक चीज़ अपने हाथ से गुजारी हुई नहीं होगी, आप उसको एक जो है अच्छा जवाब नहीं दे सकोगे। बेशक मैंने वो आपको बताई भी हो तो भी आप उसको तब तक एक अच्छा जवाब नहीं दे सकोगे जब तक आपने वो खुद एक चीज़ प्रैक्टिकली की नहीं होगी। तो अपवर्क पे थोड़ा सा इसलिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है प्रपोजल लिखने में। अपवर्क पे बहुत ज़बरदस्त जो है ना क्लाइंट होते हैं, वहाँ पे फाइवर से रिलेटेड अच्छा काम होता है।
अच्छा यहाँ पर बिलाल अहमद का क्वेश्चन है कि हमें कहाँ से इन्फो मिलती है कि ये वाला प्लगइन इस काम के लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा बच्चे आप अभी आपने कुछ ना कुछ तो भी पढ़ा ही होगा ना, तो आपको जब क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था, आपको समझ नहीं आती थी, तो आप क्या करते थे? आप गूगल पे सर्च करते थे ना कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या आंसर है, इसको कैसे किया जाएगा। तो आप भी ये चीज गूगल करोगे, रिसर्च करना सीखें, रिसर्च करना सीखें। और ये नहीं है कि उस रिसर्च पे फिर आप ये करके बैठ जाएं कि आपको पक्की पकाई चीज मिल जाएगी, आप फिर प्रैक्टिकल करना शुरू करें उस पे, उसको स्टार्ट लो उस पे कि किस तरह से आप जो है ना उस पे कर सकते हो कि डिफरेंट एक चीज के लिए डिफरेंट जो है ना सोल्यूशन होते हैं। देखें अगर आपको पेजेस क्रिएट करना है तो उसके लिए डिफरेंट प्लगइन होंगे, लेकिन कौन सा प्लगइन बेस्ट है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप वो खुद यूज करोगे। अब मैं पॉसिबल जो चीज मुझे जो प्लगइन मुझे आसान लग रहा हो कि यार ये मेरे लिए आसान है या ये सही काम कर रहा है, वो आपके लिए ना हो, तो इसलिए आप वहां से ये जरूर देखो कि किस तरह की चीजें यूज हो रही हैं, बट उनको प्रैक्टिकल करके फिर आपने खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। वर्डप्रेस फ्रेश स्टार्ट को मैंने आज चेक किया था, तो वो उसने पेजेस बना दिए हैं और वो जो है ना पेजेस ब्लैंक भी नहीं है, सही है जी। अब फिर कब बताऊंगी? ऑर्डर कैंसिल हो तो अच्छा, इसका बिलाल आपका जो है ना हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल में जाके करेंगे, ठीक है? बच्चे अपवर्क पे जो है ना यही तो बात होती है कि आपने जॉब समझनी होती है आसमा, उसमें जॉब की समझ आ गई तभी तो आप प्रपोजल अच्छा लिखोगे। बता सकते हैं कि आप किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं, बट इससे जो है ना इतना अच्छा इम्पैक्ट वो नहीं पड़ता कि उनको बेसिकली आपके प्रपोजल में वो चीज़ अगर दिख जाए ना कि आप ये काम कर सकते हैं, तो वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट कर लेंगे। फिर जब वो आपसे कांटेक्ट कर लें तो फिर बेशक आप उनको बता दें कि आप जो है ना आपका एक्सपीरियंस है फाइवर पे भी, इस तरह से आप बता सकती हैं, बट आपका जो प्रपोजल है वो मेन चीज़ है। बच्चे आज मैं जहाँ पे प्रीवियस वर्क जो है रिक्वायर होता है, देखें आप अपनी स्किल के हिसाब से ही कर रहे हो ना अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपने स्किल के सैंपल्स बना लो, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो, आप उनको शो करवा सकते हो वो सैंपल्स कि ये मेरा काम है, इस पे जो है ना मैंने इस तरह से काम किया हुआ है, ये जो भी उसमें फिर आगे उनको पोर्टफोलियो दिखवाना हो या जो भी, तो वो आप इस तरह से कर सकती हैं। आप खुद प्रैक्टिस करो और अपना वो एक पोर्टफोलियो बना लें। अच्छा इसके अलावा जी मैं लॉगिन का बता देती हूँ आपको बिलाल। अच्छा मैं कुछ स्टूडेंट्स के नेम ले रही हूँ, अगर वो क्लास में हैं या बाद में लेक्चर लें तो बच्चे प्लीज़ आपकी जो प्रोफाइल हैं उनके आपने लिंक सबमिट कर दिए हैं, बट आपने जो है ना उस पे गिग कोई एक्टिव नहीं है, तो ऐसे आप ग्रेजुएट नहीं होंगे। स्टूडेंट्स के नाम हैं इमरान शाहिद, मोहम्मद अबू बकर हबीब, मोहम्मद सुहेल खान, मोहम्मद अब्बास, नायाब ज़ारा, मुकदस ज़ारा, आमिर सईद, शाजिया खान, इकरा सईद, मोहम्मद समीउल हक। तो बच्चे अगर आप बाद में लेक्चर सुन रहे हैं या अब भी आप क्लास में हैं, तो आपके जो है ना प्रोफाइल लिंक्स तो हैं बट उस पे गिग नहीं है, और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये रिक्वायरमेंट में है कि उस पे एक्टिव गिग होना जरूरी है। अगर आप में से जो है ना आप किसी को जानते हो
तो आई थिंक ये मियांवाली सेंटर के हैं बच्चे, तो आप इनमें से अगर किसी को जानते हो तो आप उनको प्लीज ये मैसेज पहुंचा दें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो है ना, मैं क्वेश्चंस का आंसर कर लूँ, ठीक है। वर्डप्रेस लॉगिन का इशू आता है, ठीक है, वो मैं बताती हूँ, ये काफ़ी बच्चों को आ रहा है। असाइनमेंट दी थी की वजह से, तो अगर हम कीवर्ड वाली जॉब में यही सैंपल के तौर पे दिखा सकते हैं, जी बच्चे आप दिखा सकते हैं, बट जो मैंने उसमें आपको बताया था ना चेंजेस, तो वो जो है ना आपने कर लेनी है, कि आपने मतलब जो जो मैंने रेकमेंड किया था कि आप इस तरह से बना लें एक कॉलम वगैरह प्रॉपर, अगर रिपोर्ट है ना, आपने वो वाला नहीं देना जो आपने फर्स्ट टाइम सबमिट करवाया था और उसमें फिर मैंने चेंजेस बताई थी, क्योंकि वो जो था ना वो सही नहीं था, तो वो अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही थी। प्रैक्टिस के बाद जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, तो फिर आप एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाओ, और एक नहीं 5-6 बना के रखो, डिफरेंट टॉपिक्स पे बना के रखो। क्या पता वो जॉब किस टॉपिक की हो, टेक्नोलॉजी की हो, हेल्थ की हो, इंटरटेनमेंट की हो, रियल इस्टेट की हो, किसी भी चीज़ की हो सकती है। वो बच्चे जो फ्रीलांसर पे है ना, वो ईमेल पे, वो फिर आगे जो है ना वो और बात होती है, उसमें वो नहीं होता, जो वहीं पे आपको काम दे वो कर ले। जी, डाटा एंट्री के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। वालेकुम सलाम मेरा। बच्चे जो ये कहते हैं ना कि सिक्योरिटी जमा करवाएं, तो वो उस पे आपने नहीं जाना, किसी सूरत भी आपने उधर नहीं जाना, वो थोड़ा सा जो है ना, फिर आप खुद समझदार हैं कि वो फिर आगे जाके जो है ना आपके साथ एक स्कैम ही हो जाना है, उसमें कोई वो नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, एक तो वर्डप्रेस में लॉगिन का इशू आ रहा है, एक बिलाल आपको हमने प्रैक्टिकल करना है कि अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो क्या वो नजर आता है बायर को, ये दो क्वेश्चन है। उसके अलावा फिर हमने की क्रिएशन पे जाना है। जी अलीना, वो जो है ना वहां पे ये चीज बड़ी हो गई है, आम हो गई है किस तरह की चीजें। अच्छा, अफर पे अब पहले इतना नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा है, एक वो कहते हैं कि एक कंपटीशन आ गया है अफर पे। जी, 13 प्रेशर्स, ठीक है। कैनवा की डिटेल्स शेयर है बच्चे, जहाँ पे ईमेल लिखा हुआ है और नीचे जो जो टेक्स्ट है वो ईमेल है, और जहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर नीचे जो जितनी भी वो एक लंबी सी लाइन है, जो भी है वो आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं बच्चे, ये थोड़ा सा अपडेट होता रहता है बिलाल, आपने इस पे ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये सेट हो जाती है, इसमें कोई इतना मसला नहीं आता, सेट हो जाती है। बट आप ट्राई करो कि आप जो है ना डिलीवर थोड़ा सा बहुत जल्दी भी ना कर दो और बहुत लेट भी ना करो, इस तरह से आप, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत जल्दी डिलीवर कर रहे हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी आपने डिलीवर नहीं करना। थोड़ा सा तो उसको ये लगे ना कि काम हो रहा है, थोड़ा सा आप उसको अपडेट करें कि इतना जो है पार्ट बन गया है, और इसमें अब हमने ये चीजें की हैं, वाटर मार्क डाल के उसको एक बार दिखा दें, इस तरह का कुछ, अगर टाइम ज्यादा है तो इस तरह से आप कर लें। और आप उससे पूछ सकते हैं कि कोई आपने कलर यूज करवाना है, कि आपको किस तरह का कलर चाहिए, आप डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, बट ये तभी पूछना जब आपको लगे कि आप उस, अगर वो कोई रिक्वायरमेंट कलर की रख दे तो आप उसको फुलफिल कर सको, अदरवाइज आपने चुप करके बना देना है, नहीं पूछना। अगर आपको ये डाउट हो कि आप नहीं कर सकोगे, उसकी कलर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो सकेंगी, तो आपने चुपचाप उसके जो है ना बना के दे देना है। ये हो सकता है कि उसने जो है वो जानबूझ के किया हो, बट ये भी हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि जैसे डिलीवर होगा तो वो प्रिंटिंग के लिए दे देगा, और मे पॉसिबल उसको वो डिज़ाइन पसंद ना आया हो,
तो इसलिए उसने कहा कि मैंने भी दोबारा चांस नहीं लेना, उसने वहां पे जो है ना ऑर्डर कर दिया हो, मे पॉसिबल उसके पास ऑर्डर करने के बाद उसको लगा हो कि नहीं ये तो मुश्किल हो जाएगा, या उसको कोई और हुआ हो डाउट के ये पता नहीं प्रिंट होगा या नहीं होगा या क्या बनेगा, तो इस वजह से उसने कर दियो, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो खैर है, ये जो है ना अप एंड डाउन होता रहता है, इश्यूज आते रहते हैं, आपको टैकल करना आना चाहिए। जी बच्चे, ग्रुप आई थिंक एक्टिव ही रहेगा, और आपको एक और ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर लें, वहां पे सारे ही रोजगार के स्टूडेंट्स ट्रेनर्स हैं, तो आप वो भी कर लें ज्वाइन। अच्छा बिलाल, जरा मुझे वो भेज दें, अपने प्रोफाइल का लिंक दे दें। तो बस ठीक है बच्चा, वहाँ पे सारे जो है कांटेक्ट में ही हैं, अगर आपको कभी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, टैग कर दीजिएगा किसी पोस्ट में, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो। बच्चे अभी हमारी जस्ट जो स्किल रहती है वो एक ऑफ पेज एसईओ की है, और वो आप अभी गिग नहीं बनाओगे इसकी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो। वो जो है उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना और उसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सबसे जो डिफिकल्ट चीज़ है ना वो ऑफ पेज एसईओ ही है, तो आप अभी गिग्स बेशक बना लें। और आसमा, आप अनिला को भी ऐड कर दें, इनवाइट कर दें, या फिर उनको लिंक प्रोवाइड कर दें ताकि वो भी ज्वाइन कर लें। अब बच्चे वो नॉर्मल सा टेस्ट होता है कि जो है बेसिक चीजें पूछी जाती हैं। अच्छा एक सेकंड, मैं आपका गिग लिंक देख लूं। और ये जो है ना टाइम टू टाइम चीजें अपडेट भी होती रहती हैं, मे पॉसिबल जब मैंने गिग बनाई हो या जब मैंने काम किया हो तो उस टाइम वो चीज ना हो और अब वो आ गई हो, टेस्ट भी चेंज हो जाते हैं, तो ये एक एग्जैक्ट चीज नहीं बताई जा सकती, बट जो उस टाइम था वो बता सकते हैं। लोकल एसईओ की सर्विस बहुत कम है, तो मैं उस पे करवाऊंगी, उस पे कीवर्ड पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। ठीक है खालिद, लोकल एसईओ का मैंने कल भी बताया था, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना पहले आप एसईओ का एक एक्सपीरियंस करोगे, उसके बाद आपको एक एसईओ की चीज़ समझ आएगी ना, तो फिर आपको लोकल एसईओ खुद ही करना आ जाएगा, क्योंकि उसमें सेम टू सेम यही चीज़ें हैं। आज मैं लोकल एसईओ की भी बात करूंगी, अगर हमारे पास एंड पे टाइम हुआ मुझे याद करवाना एंड पे की लोकल एसईओ की, मैंने एक्सप्लेन करना है बेसिकली ये होता क्या है और ये इजी होता है करना, ये अभी जो है ना इस पे मैं बात करूंगी। ठीक है खालिद, आपने मुझे ये गिग क्रिएशन वाले जो है ना सेक्शन के बाद में बताना है। अच्छा आपका टेस्ट नहीं हुआ, आपने कोई और जो है ना कैटेगरी सिलेक्ट की होगी आसमा, इसलिए आपका एसईओ का टेस्ट नहीं हुआ। ठीक हो गया, वो आपने एसईओ की जो है ना कैटेगरी में किया होगा, एसईओ में ब्लैक हैट व्हाइट हैट चीजें होती हैं, उस पे भी हमने बात करनी है कि ये ब्लैक हेड क्या है और व्हाइट हेड क्या है। ये मैं जल्दी से अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, और स्क्रीन शेयर करके मैं क्या करती हूँ कि जल्दी से अपना टॉपिक कवर करती हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चंस और डिस्कशन होगी एसईओ पे, लोकल एसईओ पे, व्हाइट हेड ब्लैक हेड ये सारी चीजें क्या है। जी बच्चे, आप जो है ना कैनवा की स्किल्स पे भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। स्क्रीन शेयर हो गई है। अच्छा ये है मेरे पास बिलाल की जो है गिग है, जो उन्होंने आई थिंक इस पे जो है ना उनका ऑर्डर कैंसिल हुआ है, इस तरह से मेरे पास शो हो रही है, कुछ भी और चीज़ नहीं है। अब उनका क्वेश्चन था कि क्या बायर को भी शो होगा, अब मैं यहाँ पे एज अ बायर ही तो देख रही हूँ,
अब ये चीजें मेरे पास आ रही हैं, मैं इनकी प्रोफाइल ओपन करती हूँ। मुझे यहाँ पे रिव्यूज शो हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे फ्रॉम है, मेंबर सिंस है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, लास्ट डिलीवरी। मुझे यहाँ पे नहीं शो हो रहा कि इनका कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है। तो बायर को तो एक चीज क्लियर होगी, उसको और वो कैंसिलेशन नहीं शो होगी, बट उसमें ये होगा कि आपकी गिग की रैंकिंग अप डाउन हो सकती है। नहीं बच्चे, हैकिंग के लिए नहीं होता। अच्छा, हमने प्रोफाइल क्रिएशन पे जाना है। प्रोफाइल आपने जब फाइवर पे सिंपल आप साइन अप करोगे, साइन अप करने के बाद यूजर नेम इम्पोर्टेंट होता है। यूजर नेम, अगर आप एक ही चीज को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप यूजर नेम उसी चीज से रिलेटेड रखोगे। लाइक आप जस्ट कंटेंट राइटिंग करना चाह रहे हो तो आप जो है ना राइटिंग से रिलेटेड अपना यूजर नेम रखोगे। जैसे कि हम इसको यहाँ पे देखते हैं। अब ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है हमेशा। यहाँ पर ये इनके नेम्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई आता है, ये देखो, ये इसके जो है ना नेम के साथ राइटर आ गया, तो ये जो है ना अब जो भी गिग्स बनाएगा वो राइटिंग से रिलेटेड ही बनाएगा। अब जिसका ये यूजर नेम है, जिसके नेम से है या कोई और है, मतलब एक स्किल पे नहीं है, तो वो कोई भी सर्विसेज ऑफर कर सकता है। ये उसको ट्रस्ट का मसला नहीं आएगा कि उसका यूजर नेम कुछ है और वो जो है सर्विसेज कोई और ऑफर कर रहा है। ठीक है, एक तो पहली बात, प्रोफाइल क्रिएशन में जस्ट ये बात आपने याद रखनी होती है। दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि आपकी जो ये पिक्चर होती है ना, ये आपने वॉइस तो अपनी ही लगा लें, और उसमें सिंपल उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने अपनी एक पिक लगा लेनी है जिसका व्हाइट या ब्लू बैकग्राउंड हो। एक प्रोफेशनल इमेज लगा लेनी है। गर्ल्स अगर वेल में लगाना चाहती है दैट्स गुड, लगा लें। अगर नहीं लगाना चाहती तो आप कोई रियल पिक बना सकते हैं, कोई कैनवा में आप अपने नाम के इनिशियल्स बना सकते हो, कोई लोगो बना सकते हो, कुछ भी आप इस तरह से कर सकते हो। अच्छा, एक टॉपिक की डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये जरा मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से आप बनाएंगे ये। क्या आप इसको थोड़ा सा आज में एक्सप्लेन करें कि ये एक अभी अच्छा क्वेश्चन है कि एक टॉपिक पे भी डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं। जी बच्चे, अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो आप जो है ना आपको ऑर्डर्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये है कि अगर एक टॉपिक पे एसईओ में जैसे टाइप्स आ जाती हैं, ऑन पेज ऑफ पेज, तो आप बच्चे बिल्कुल बना सकते हो। आप बिल्कुल 110% बना सकते हो। आप कीवर्ड की गिग बना लो, आप नेचर रिसर्च की गिग बना लो, आप ऑन पेज की बना लो, आप ऑफ पेज की बना लो, आप कंप्यूटर एनालिसिस की बना लो, उसके अलावा आप साइट ऑडिट की बना लो। बहुत सी उसमें ये चीजें आ जाती हैं जो आप बना सकते हो। इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर आप एसईओ से रिलेटेड अपना यूजर नेम रखते हो तो आप एसईओ की हर एक तरह के जो जिसमें एसईओ का थोड़ा सा भी काम आता है, लोकल एसईओ भी है, वो कर सकते हो। कोई भी एक चीज आती है तो वो आप जो है ना उसको आप कर सकते हो, उसको ऐड अपने स्किल्स में या गिग में कर सकते हो आप। लेकिन आप स्पेसिफिक यूजर नेम जब रखोगे ना, तो अब ये है कि राइटिंग में देखो, आर्टिकल राइटिंग में डिफरेंट आगे चीजें आ जाती हैं। इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर मैं बताती हूँ खालिद आपको। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस प्रोफाइलिंग प्रोफाइल पिक का बता दिया। मैं यहाँ से जो है ना वापस चलती हूँ। और किसका था वो राइटर वाला, उसको देखते हैं जरा। ये हो गया, ये तो वैसे ही प्रो है, और एक ये हो गया। अच्छा, अब इसने क्या किया, राइटिंग के बारे में, कंटेंट राइट कंटेंट फॉर योर वेबसाइट,
अच्छा यहाँ पे राइट कर ची प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आ गई, यहाँ पर जो है ये ब्लॉग आर्टिकल्स की बात हो गई, यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात हो गई, यहाँ पर लैंडिंग, यहाँ पे इसने थोड़ा सा एसईओ का भी जिक्र कर लिया है, और यहाँ पर सोशल मीडिया की भी इसने राइटिंग की बात कर ली है। अब राइटर में इसका यूजर नेम राइटर है और इसकी राइटिंग की सर्विसेज हैं, और सारी की सारी डिफरेंट चीजों पे हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स या कैटेगरीज कह सकते हैं उन पे हैं। अब हम इसको देखते हैं, इसने जो है ना 2 गिग्स बनाई हुई है, आर्टिकल ब्लॉग और उसके अलावा कोई भी हाई क्वालिटी कंटेंट इसने कर दिया, और इसमें इसने जो है ना स्टोरीज के बारे में बात कर ली है। तो यहाँ पर ये देखें, इसने इन्होंने राइटिंग में डिफरेंट टाइप्स निकाली हुई है। अब आप अगर कोई राइटर है वो ब्लॉग कंटेंट लिख सकता है, प्रोडक्ट रिव्यूज कर सकता है, सोशल मीडिया के लिए जो पोस्ट होते हैं या कैप्शंस हम कहते हैं वो और लिख सकता है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो वो जो है ना इस तरह की बन सकती है। एसईओ की मैंने ऑलरेडी आपको टाइप्स बता दी है, इस तरह की बन सकती हैं जी बच्चे, आप आर्टिकल राइटिंग पे बना सकते हैं। अच्छा अब ये चीज तो हमारी होगी, अब हम चलते हैं गिग क्रिएशन पे। जब आप गिग क्रिएट करोगे, हम अभी इसी वाली को ही देखेंगे क्योंकि इस पे हमने काफी ज्यादा रिसर्च की हुई थी, और इसको इस पे हमने कीवर्ड्स को भी देखा हुआ था, या फिर हम एक न्यू गिग बना लें बिल्कुल स्टार्ट से। अच्छा जी बच्चे, अगर इमरान आपका इंटरेस्ट है तो आप लिख सकते हो, बट आपको पहले उस चीज़ पे रिसर्च करनी होगी कि उसका स्कोप क्या है, उसमें क्या डिमांड है चीज़ों की। तो आप उसमें, आप आई थिंक करंट अफेयर्स की बात कर रहे हो, ऐसा ही है। अगर आप इस चीज को कर सकते हैं, मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप इसमें जाना चाहते हो, तो आप इसमें बिल्कुल ब्लॉग लिख सकते हो। आप इसमें आप फाइवर पे जो है सर्च कर लो, इन जो सॉरी आपने बताया टॉपिक उनको सर्च कर लो कि क्या जो है वहां पे कोई ऑर्डर्स हैं, क्या लोग वहां पे सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। कुछ भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, एक बार आप स्टार्ट तो करें, फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। ठीक है, अभी अभी आप सोचें कि ये होगा कि नहीं होगा, तो फिर उसमें तो ये सोचने में ही गुजर जाएगा, परफेक्शन की तरफ ना जाएं, एक बार स्टार्ट करें, फिर उसको साथ साथ ऑप्टिमाइज करके परफेक्शन की तरफ लेके जाएं, अपनी गलतियों से सीखें और उनको जो है ना फिर अपने काम को परफेक्ट करें। अगर आप ये करेंगे ना कि परफेक्शन में, कि ये परफेक्ट होगा तो ही मैं स्टार्ट मैंने करना, तो फिर वो स्टार्ट ही नहीं होना। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर करते हैं क्रिएट अ न्यू गिग। अब सबसे पहला जो गिग क्रिएट, अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी आई हुई है, यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहला जो मैंने काम बताया था, अब आप चाहो तो नोट्स बना लो इस चीज के, अगर आपको ये चीज, आपको बार बार गिग तो डेफिनेटली बनानी पड़ेगी, और मैं पॉसिबल कि ये वाला जो लेक्चर है ये डिलीट ना हो। तो ये जो है ना, अब सबसे पहला काम क्या होता है कि यहाँ पर आप अपने सारे के सारे कीवर्ड रख देते हो। कीवर्ड आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ये सर्च कर लेती हूँ, इसमें 1300 सर्विसेज हैं। अब मुझे सजेशंस भी आ रही हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और अभी और कोई भी नहीं है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने वेडिंग कार्ड भी यहाँ पर, फिर मैं नोटपैड की एक फाइल बना लेती हूँ, ये वेडिंग कार्ड मैंने लिख दिया, और इसके अलावा ये आ गया। अब भी जो मेरे ये वाले आ रहे हैं ना, अब मैं यहाँ पर अगर डिजाइन लिख दूं, सॉरी, तो मेरा ये वाला कीवर्ड जो है ऊपर वाले में कवर हो गया, वेडिंग कार्ड भी, वेडिंग कार्ड डिजाइन भी, और यहाँ पर अगर मैं कार्ड लिख दूं तो मेरा वो वाला, ये वाला कीवर्ड ऊपर हो गया, और दूसरा वेडिंग इन्विटेशन भी इसी में आ गया है। अच्छा उसके अलावा मैं यहाँ पर ये बंद करके अपना वो कीवर्ड वाला टूल ओपन करूंगी, और उसमें जो है ना, अच्छा बच्चे थोड़ा सा
अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा जो है ना रोक लें, हम चलते हैं इस पे। लेकिन थोड़ा सा मैं एक क्रिएशन का बता लूं, फिर आपके सारे क्वेश्चंस को जो है ना वो करूंगी, ताकि ये अगर लेक्चर आपके पास सेव भी हो, आपने जो है ना फिर वो रिपीट देखना चाहो, जब नहीं बनाओ तो भी आपके पास से हो, आप इजिली गिग बना सको। अच्छा मैं यहाँ पे वेडिंग कार्ड कर देती हूँ, यहाँ पे मुझे अगर मैं यहाँ पर सिर्फ वेडिंग करके देखूँ कि तो मेरे पास क्या चीजें आती हैं। अच्छा ये वेडिंग को काफी चीजों से मिक्स कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको कर लेती हूँ, या सिर्फ वेडिंग कार्ड को कर लो, जो भी फिर उसमें आपको आपने डिफरेंट करना है। अब आई थिंक इसकी लिमिट जो है ना, यहाँ से भी आपको ये वही बता रहा है, तो अभी हम इसको मजीद डिफरेंट कीवर्ड्स पे जो भी हमें सजेशन आई थी वो सारे हम यहाँ पे सर्च करेंगे, और जो जो हमें यूनिक चीजें मिलेंगी वो हम अपने पास यहाँ पर सेव करते जाएंगे। अभी यहाँ पर इसको देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये जो मैंने एक यूआरएल बनाया था, फिर तब मैंने प्रॉपर एक कीवर्ड रिसर्च की थी। अभी मैंने थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दिया, इसी तरह से आपने जो है ना सारे के सारे अपने जो भी कीवर्ड्स होंगे वो यहाँ पर लिखते जाना है। लिख के आपने उन कीवर्ड्स को क्या करना है, उन कीवर्ड्स को आपने अपने टाइटल में ऐड कर देना है। जस्ट एक मिनट मैं ये रिमूव कर लूं, ये अब मेरे पास आ गया। और इसको मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ पर। अच्छा अब ये मेरे पास ये चीजें यहाँ पर आ गई, कैटेगरी मैंने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी यहाँ पे मैंने कैटेगरी की थी। यहाँ पर इनविटेशन डिजाइन मैंने की थी, अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको कोई और रिलेटेड मिलती है। अगर आपको ये समझ नहीं आती कि किस तरह से आपने ये करना है, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा जो है उस अपने कंप्यूटर से देख लेना है। जैसे कि ये आपके कंप्यूटर्स हैं, आपने यहाँ पे जाके देख लेना है कि किसने कौन सी कैटेगरी की हुई है और उसको वहां पे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये चीज आपने देख लेनी है, और आपने यहाँ पर अपनी जो है ना वो कैटेगरी कर लेनी है। ये आ गई। अच्छा टैग्स कैसे, अब मेन टाइप आपसे पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पर वेडिंग कर देंगे। इमेज हम ये दे सकते हैं, हम ये भी दे सकते हैं, और हम ये भी दे सकते हैं। उसके अलावा टैग्स आपने क्या करना है, आपने सारे जो आपके टॉप कंपटीटर्स होंगे, जिनको आपके आप यहाँ पर ऑर्डर्स आए हुए होंगे, वो ओपन करने हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एक फिल्टर ऐड कर लेना है यहाँ पर बेस्ट सेलिंग का, ये आपने जरूर ऐड करना है। आपने रेलिवेंस वाले कंपटीटर्स नहीं देखने, आपने बेस्ट सेलिंग वाले कंपटीटर्स देखने हैं। यहाँ पर आप जाओगे, इनको ओपन करोगे वन बाय वन, सबको फर्स्ट जो है ना तकरीबन 5-6, हर एक कीवर्ड की 5-6 गिग्स आप निकालो, उनके आप कीवर्ड्स पे वो सॉरी उनके टैग्स एंड पे आ रहे होते हैं, ये रिलेटेड टैग्स आ रहे होते हैं कि उन्होंने टैग्स क्या यूज किए हुए हैं, और वो सारे आप कॉपी करके अपने पास नोटपैड फाइल में रखना स्टार्ट कर दो, और देखो जो ज्यादा यूज हुए हैं ना, जो बार बार सबके गिग्स में आ रहे हैं, उनको आप जो है अपने टैग्स बना लो। यहाँ पर सपोज मैं वेडिंग कार्ड कर देती हूँ, इस तरह से आप यहाँ पर 5 टैग बना सकते हैं। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये मेरे एक्स्ट्रा जो है एक ऐड कर दिया था, सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा अब जो मेरे पास एक चीज आई है वो ये कि मेरा जो ये यूआरएल है ना, अब इसमें
सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए। अब इसके साथ एक ये चीज भी आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि मेरा पहले भी एक यहाँ पे गिग है जिसका यही यूआरएल है, तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा उसमें ऐड कर दिया। अगर आप कीवर्ड्स आगे पीछे कर दोगे तो यूआरएल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके एंड पे ये जो कुछ डिजिट्स हैं ये नहीं आएंगे, बट आपके कीवर्ड सारे आपके यूआरएल में आ जाएंगे। अब ये भी एक तरह से हमने अपने कीवर्ड टारगेट किए हैं, हमने अपने कीवर्ड यूआरएल में लिखे हैं। अब ये करने के बाद हम वापस ओवरव्यू में चले जाएंगे, और जहां पर हम अपना जो है ना टाइटल लिख देंगे इन सबको मिटा के। हम थोड़ा सा टाइटल चेंज किया, हम सेव एंड कंटिन्यू दोबारा करेंगे, और यहाँ पर अभी जो है मैं पैकेजेस ऑफ करने लगी हूँ, एक ही पैकेज बनाएंगे यहाँ पर, या अभी ऑन ही कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब जैसे इसमें हमने एक पैकेज बनाया था, अब इसमें मैंने यहाँ पर ये वाला कीवर्ड जो है ना वो यूज किया था, ठीक है। अब इसमें मेरे पास यहाँ पे इसमें दो कीवर्ड टारगेट हो रहे हैं, वेडिंग इन्विटेशन हो रहा है, इन्विटेशन कार्ड हो रहा है, और एक वेडिंग इन्विटेशन कार्ड, ये तीन हो गए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेडिंग कार्ड कर लेंगे। उसके अलावा भी हमारे पास एक और है ये वाला, हम ये कर लेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट, अब मेरा ये जो है ना तीन चार कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर भी टारगेट कर लिए। उसके बाद हमने एक डिस्क्रिप्शन लिखी, ये वाला जो है ना ये आप अपने कंप्यूटर्स का देख सकते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले जो पैकेज डिटेल पढ़ी जाती है, बाद में आपकी ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन आती है इस पे पहुंचते हैं, पहले आपके वो वाली डिटेल पड़ी जाती है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यू विल गेट वेडिंग इनविटेशन कार्ड, वेडिंग कार्ड डिजाइन टू इनवाइट वेडिंग। अब ये भी इनवाइट वेडिंग भी एक हमारा कीवर्ड था। तो मैंने भी इसको भी मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। उसके अलावा इसमें हम क्या करेंगे, यही चीज कॉपी करके यहाँ पर डाल देंगे, और अपना जो एक एक्स्ट्रा चीज आ रही होगी ना साथ में, अब यहाँ पर किसकी, हम किसी कंप्यूटर, तो वो एक्स्ट्रा साथ में क्या दे रहे हैं, अच्छा इन्होंने एक ये यहाँ पे किया है, और यहाँ पे इन्होंने टाइम कम किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे 12 आवर कर दिया, और अनलिमिटेड विजन और इस तरह का इन्होंने कर लिया, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं, ये कह रहा है वन साइडेड, ये कह रहा है कि टू साइडेड होगा, और यहाँ पर इसने सारी चीजें ऐड कर दी है। तो यहाँ पर हम भी अपना वो जो हम ऐड करेंगे, लाइक हम यहाँ पे ये कर देते हैं, यहाँ पर वन साइडेड, टू साइडेड, और यहाँ पर एक मिनट हम कर लेते हैं, ये हमने कर लिया। यहाँ पर हम अपना एक दिन कर देते हैं, यहाँ पर हम 2 दिन कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम एक दिन कर देते हैं। हमने यहाँ पर जो है 24 आवर्स किया हुआ है, या आप चाहो तो इसको भी एक दिन कर लो, या इसको चेंज कर लो, आपकी मर्जी है। इन्होंने यहाँ पर जो किया हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे 2 किया हुआ है, क्योंकि इसने 48 आवर्स किए हुए हैं, यहाँ पे इसने 24 किया, डेफिनेटली 1 डे हो गया। अब इसमें और कोई चीज़ इतनी चेंज नहीं हो रही, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 12 आवर्स, और मिनिमम हमारे पास 1 डे होता है, तो इन्होंने भी वही पैकेजेस में किया हुआ है कि टाइम जो है ना कम करके, और साथ में क्या अनलिमिटेड रिवीजन, और फिर जो है ना वही चीज डाली हुई, उसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ। मैं आपके सारे क्वेश्चंस को जो है ना रिस्पॉन्ड करूंगी, थोड़ा सा वेट कर जाए। यहाँ पे रिवीजन्स आपने बहुत ज्यादा सिलेक्ट नहीं करनी, बट आपने कुछ ना कुछ रिवीजन्स अलाउ कर देनी है स्टार्ट में, ये अच्छा एक चीज होती है। अच्छा यहाँ पर डबल साइडेड ये है, और हाई रेजोल्यूशन सारे ही होंगे। उसके अलावा सोर्स ऑयल अगर आप दे रहे हो, तो कैनवा में जो होता है वो सोर्स ऑयल वाला ऑप्शन नहीं होता, शिपिंग आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप अपनी प्राइस जो है
ये आपने ऑप्शंस हर स्किल के साथ चेंज हो गए, या आपने अपने हिसाब से रख लेने हैं। यहाँ पर आपने कर लिया, यहाँ पर गिग एक्स्ट्रा जा रही है, आप इनको अनचेक कर लो या आप ऐड कर दो, आपकी मर्जी है। इसका मतलब क्या है, एडिशनल रिवीजन के आप $5 एक्स्ट्रा लोगे अगर वो जो है ना एक रिवीजन एक्स्ट्रा गए, लाइक उसने यहाँ पर जो है ना दो रिविजन्स करवा लिए हैं, वो चाहता है एक और रिवीजन हो, तो आप $5 एक्स्ट्रा लोगे और एक दिन भी लोगे। इसी तरह से डबल साइडेड के आप एक्स्ट्रा चार्जेस कर सकते हो, जो भी आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा करना वो कर लेते हैं। उसके बाद हम आ गए कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। अगेन डिस्क्रिप्शन में अभी मैं यही वाली करने लगी हूँ जो हमने बनाई हुई है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि ये है कैसे। सबसे पहले एक मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि थैंक्स फॉर विजिटिंग माय गिग, आपने एज इट इज कॉपी कर देना है। मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर पहली लाइन में आपका कीवर्ड आ जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर टाइटल पूरा का पूरा लिख दिया है, आप अपने कीवर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं, आर यू लुकिंग फॉर, ये आगे लिख सकते हैं, या डू यू वॉन्ट से कर सकते हैं, इस तरह का आप कुछ कर सकते हैं स्टार्ट। और उसके बाद जो है आप उसको नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर बता सकते हो कि आप क्या करने वाले हो, या फिर उनको क्या चीज़ आप प्रोवाइड करोगे। एक आप यहाँ पर एक जो है ना थोड़ा सा वो बता दो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हो कि अच्छा आप जो है ना वेडिंग कार्ड के लिए यहाँ पर हो, या आर यू लुकिंग फॉर वेडिंग कार्ड, इस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट किया, तो उस क्वेश्चन का आगे आंसर देते हुए भी आपने यहाँ पर कीवर्ड कर देना है। यहाँ पर आपने बता देना है कि मैंने आपके लिए एक जबरदस्त जो है एक कार्ड डिजाइन करना है जो कि बहुत इंप्रेसिव होगा, अच्छा होगा। यहाँ पर आप एडजेक्टिव डिफरेंट यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा जो है आप कंपिटिटर से भी इस चीज का आइडिया ले सकते हैं। और जो एक चीज थी वो ये थी कि आपने ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन हमेशा लिखनी है। इसको एक इमोशनल लाइन होती है कि ये, अब देखे वेडिंग कार्ड को अगर देख लें कि ये आपका जो है योर बिग एंड मेमोरेबल डे, तो आप उसको ये एहसास करवाओगे कि ये आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट दिन है। तो आपको जो है ना आपका इनविटेशन कार्ड भी उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना आपके लिए ये दिन इम्पोर्टेंट है। और ऐसा होता भी है, वेडिंग कार्ड जो है ना काफी डिजाइन देखे जाते हैं और बड़ा वो ना उस तरह से एक शौक होता है उसको सिलेक्ट करने का कि किस तरह का डिजाइन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह पे वेडिंग कार्ड ने उसको इनवाइट करने के लिए वो भेजना पड़ता है। तो आपने ये यहाँ पर अच्छी सी एक लाइन लिखनी है, गूगल करेंगे इस तरह की लाइन आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। अब यहाँ पर व्हाट आई विल डिजाइन, व्हाट आई ऑफर, व्हाट यू विल गेट, इस तरह की चीजें जो है ना, या माई सर्विसेज, या इस तरह की एक हेडिंग आप दे के यहाँ पर आप अपने सारे के सारे कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हो इजिली। कोई लाइंस बना लो, ये जैसे मैंने यहाँ पर वेडिंग इनविटेशन कार्ड लिख दिया, अमेजिंग लिख वेडिंग कार्ड लिख लिया, और ऑसम लिख दिया, इस तरह के आप डिफरेंट एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो। डिफरेंट जो है ना, ये देखें ये वेडिंग कार्ड डिजाइन टू इनवाइट वेडिंग, ये वाला कीवर्ड भी इवन मैंने यूज किया। हालांकि इस कीवर्ड को यूज करना मुश्किल था, बट इसको मैंने थोड़ा बहुत यूज किया है कहीं ना कहीं। यहाँ पर आपने अपने एडजेक्टिव्स के साथ अपनी सर्विसेज जो हैं वो बतानी है, और आपकी सर्विसेज आपके कीवर्ड होते हैं, मतलब यहाँ पर आपने कीवर्ड टारगेट करने हैं। अब मेरी बात को समझो यहाँ पर, कि मैं कीवर्ड टारगेट डिस्क्रिप्शन में कहाँ कहाँ कह रही हूँ। सबसे पहले स्टार्ट में कह रही हूँ, और उसके बाद ये वाली जो चीज है ना, ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट में क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो आंसर में कीवर्ड आना ही आना है, तो यहाँ पे स्टार्ट में तो टारगेट हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करते, आप उसको थैंक्स कह के करना चाहते हो, या फिर उसको जो है ना कोई और आप स्टार्ट करना चाहते हो, लाइक आप उस स्किल की जो है ना एक उसकी कोई तारीफ करके, स्किल की तारीफ, अपनी तारीफ नहीं स्किल की तारीफ करके स्टार्ट करना चाहते हो, तो भी आपका कीवर्ड तो आ ही जाएगा उसमें। स्टार्ट में कीवर्ड करना है, यहाँ पे कीवर्ड टारगेट आपने यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर भी करो, अगर हो जाता है तो बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर एंसूर यूनिट्स फॉर वेडिंग कार्ड आप कर लो, अगर यहाँ पर ये सूट करता है तो इसको आप कर लोगे, तो आपका यहाँ पर भी कीवर्ड टारगेट हो जाएगा। यहाँ पर एक इमोशनल लाइन लिख के उसको आपने कर देना है हाईलाइट, यहाँ से हाईलाइट करने के बाद, ताकि उसको आपने एक वो कहना है ना कन्विंस करना है, ये वो वाली बात है। तो यहाँ पर करने के बाद इस लाइन के बाद, या इस एक तीन लाइन जहां पर आप यूज कर सकते हो, जिसमें आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका कीवर्ड नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके फौरन बाद आपके कीवर्ड आने चाहिए। अब ये एक वो चीज है, व्हाट आई विल डिजाइन, सर्विसेज, ऑफर्स, जो भी इसको कह लो आप, ये वो जगह है जहां पर आपके पास स्पेस है।
आपके पास स्पेस है, आप यहाँ पर अपने जितने मर्जी कीवर्ड टारगेट करना चाहो आप कीवर्ड टारगेट कर सकते हो। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स इसलिए यहाँ पर मेंशन हम कर रहे हैं क्योंकि ताकि उसको इजी रहे ऑर्डर जो है प्लेस करने से पहले कि उसको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी होगी, ये चीज वो जो है ना जान ले। ये काफी क्वेश्चंस होते हैं क्लाइंट्स के कि मुझे क्या प्रोवाइड करना होगा, वो कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं मुझसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स ली जाएंगी, तो ये चीजें आप यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अच्छा सा उसको गुड बाय वाला कर दो, बल्कि गुड बाय वाला नहीं जस्ट बाय वाला करना है। और यहाँ पर जो है आप उसको अच्छे से एक एंड करो, और यहाँ पर भी कोशिश करो कि कीवर्ड यूज हो। अब मैंने वही ऊपर वाली लाइन लिख दिया, लेकिन आपने ये चीज मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि उन्होंने मेरी ही लाइंस कॉपी की हुई है। ये चीज जो है ना ये एक नॉर्मल चीज है, हर दूसरा बंदा यही कर रहा होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए जल्दी से लिख दी थी ताकि टाइम सेव हो, और यहाँ पर जो है ना गिग बनाने में कितने दिन भी लग जाते हैं, ये नहीं है कि आप एक दिन बैठो और 1 घंटे में आपकी गिग रेडी हो जाए। और एंड पे आपने कीवर्ड हर हाल में यूज करना है एट एनी कॉस्ट। आप यहाँ पर भी कोई अच्छी सी लाइन लिख सकते हो। अब यहाँ पर फिर वही बात है कि आप अपनी स्किल की तारीफ कर सकते हो या फिर थोड़ी सी अपने बारे में लिख दो। तो यहाँ पर जो है आप अपना इसको टारगेट कर लोगे। ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो है ये आप कंपिटिटर से ले सकते हो, जैसे कि इसके यहाँ पर FAQ नहीं ऐड किए हुए, इसने भी नहीं किए हुए, हम किसी और को देखते हैं कि शायद किसने किए हुए हों तो देख लेते हैं, अदरवाइज मैं वैसे बता देती हूँ। वैसे इसके मुश्किल ही है कि कोई इस तरह के हों। FAQ वाली कोई एग्जाम नहीं, FAQ जो भी आप यहाँ से देख सकते हो अपने कंप्यूटर्स जितने आप ओपन कर सकते हो आप कर लें, और FAQ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस भी आंसर भी, उसमें कोई मसला नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा क्या मसला है भाई, अच्छा मैंने ओपन ज्यादा किए हैं तो वो वेरिफिकेशन आई थिंक है। अच्छा सेव मुझे पैकेजेस पे ले आए हैं, ठीक है सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन, अच्छा कोशिश ये करनी है कि आप जब डिस्क्रिप्शन बना रहे हो तो आपने नोटपैड फाइल पे अलहदा आपने वो सेव भी की भी हो। अब जैसे ये हुआ तो मैंने तो यहाँ पे कॉपी की हुई थी, मैंने अगेन डाल दी है, तो आपकी मेहनत सारी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट्स होंगी, और रिक्वायरमेंट्स के बाद हमें ये पिक ऐड करने को कहेगा। यहाँ पर आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड कर देनी है। रिक्वायरमेंट्स के लिए सिंपली आपने खुद सोच लेना है कि आपके पास क्या चीज़ होना चाहिए जिससे आप जो है ना स्टार्ट कर सको। जो भी फिर आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपने सारी यहाँ पर ऐड न्यू करके ये कर लो ऐड, और सेव एंड कंटिन्यू कर लो। इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट सिंपल आपने एक अच्छी सी इमेज बनानी है, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये देखो इसने बड़े अच्छे डिजाइन शो करवाए हुए हैं, अच्छे से डिजाइन शो हो रहे हो आपके, आपकी स्किल के हिसाब से आपकी आपकी गिग की जो है इमेज होनी चाहिए, ताकि उसको समझ आ जाए कि आप किस आपको वो आप किस तरह का डिजाइन उसको प्रोवाइड करोगे। और यहाँ पे जो एक चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि आपकी जो इमेज का नेम हो वो भी आपके कीवर्ड ही हो। वो सिंपल आप क्या कर सकते हो, इन्हीं को कॉपी करके जो आपने टाइटल में डाले थे आप इनको कॉपी करके ये जो है ना ये बीच में से बेशक रिमूव करके सेव कर दो, और या फिर ये सारी चीजें इनको इस तरह से कॉपी करके सेव करके फाइल को रीनेम करके ये वाला इसका नाम रख दो सारे कीवर्ड्स, और यहाँ पर जो है अपलोड कर दो। उसके बाद सिंपल हो जाएगा पब्लिश। ये हो गया आपकी जो है ना गिग क्रिएशन का पूरा प्रोसेस। अगर किसी को अभी भी गिग क्रिएशन में इशू हो, क्वेश्चन हो, पूछ सकता है। मैं जल्दी से आपके क्वेश्चंस देख लेती हूँ। अच्छा कहाँ से,
अच्छा, साइट ऑडिट के लिए कौन सा टूल बेस्ट है? एचडीएफ बेस्ट रहेगा बच्चे, एचडीएफ तो बेस्ट है ही है, बट मैंने एक अल्टरनेट फ्री टूल भी प्रोवाइड किया हुआ है इसके लिए। साइट ऑडिट बेसिकली एक चीज़ का वो कहते हैं कि क्या कह सकते हैं, खुलासा कह सकते हैं आप, एक उसका वो होता है। अच्छा जी बच्चे, वेडिंग की गिग है और 3 गिग है, आप भी बना सकते हो। आप एक गिग मल्टीपल टाइम बना सकते हैं, इसमें मसला नहीं है, बट आपने अपना टाइटल, अपनी इमेज, अपनी डिस्क्रिप्शन पहले से चेंज लिखनी होगी, आप वही वाली नहीं लिख सकते। अगर बेशक आप वेडिंग कार्ड की 2 गिग्स बना रहे हो तो आप जो है उसमें चेंज लिखोगे। जी, कीवर्ड के रिलेटेड भी जो है एक प्रोफाइल आप कर सकते हो, और जस्ट इसमें डिफरेंट कीवर्ड कर दो, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड की गिग बना दो आप, एक शॉर्ट की बना दो आप, एक LSI की बना दो आप, उसके अलावा किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में बना दो कि आप टेक के कीवर्ड रिसर्च करके दोगे, आप हेल्थ की कीवर्ड रिसर्च करके दोगे। लैंडिंग पेजेस बच्चे वो होते हैं जहां पर आप, इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखें, पहले मैं बाकी क्वेश्चंस कर लूं, इस पे भी जाते हैं। GRD का राइटिंग की गिग बन सकती है, और यहाँ पर आई थिंक इमरान आपके क्वेश्चन का मैंने बता दिया था, वर्ल्ड वाइड जो आपने पॉलिटिक्स वगैरह के टॉपिक्स का कहा है। अच्छा, कंटेंट राइटर वाली जो स्किल है, तो जब बॉर्डर है तो क्या हम उस टॉपिक के रिलेटेड साइट्स सर्च करके राइटिंग कर लें? मीन्स प्रिज्म नहीं होगा ना ही कॉपी पेस्ट, लाइक हम अपने वर्डिंग में ही सर्च आइडिया लिखते हैं। बच्चे होता भी ऐसे ही आसमा, आप जो है ना रिसर्च करते हैं, रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आप रिसर्च करते हो और फिर जो है ना आप उसको करते हो कि उसमें से देखते हो। ये मैंने कंटेंट राइटिंग के टॉपिक में बताया था कि किस तरह से आपने रिसर्च करनी है, किसने क्या लिखा हुआ है, कितने वर्ड्स का लिखा हुआ है और उसमें गैप क्या है, ये चीज़ देख के आप आर्टिकल लिखते हो। अच्छा, मोहम्मद इमरान, बच्चे अगर आप जो है ना परफेक्शन की तरफ जाओगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप पहले ऑफिस पहुंचो तो सही, आप कहीं ना कहीं बैठ जाओगे, चेयर टेबल है या नहीं है आप उसको देखोगे। अब पहले ऑफिस तो जाओ, आप ऑफिस ही नहीं जाओगे कि वहाँ चेयर टेबल नहीं है। जब आप ऑफिस पहुंच जाओगे ना तो आप चेयर और टेबल का इंतजाम भी कर ही लोगे। चेयर और टेबल का नहीं करोगे ना तो पहले कहीं ना कहीं बैठने के तो इंतजाम कर ही लोगे ना, फिर जब आप कहीं बैठ जाओगे तो फिर आप चेयर भी मंगवा लोगे। जब चेयर आ जाएगी तो आपके पास टेबल भी खुद ही आ जाएगी। पहले आप ऑफिस तो जाओ, घर बैठे रहेंगे तो वहां पे चेयर जो है आसमान से तो गिरेगी नहीं। तो इस तरह जो है ना परफेक्शन की तरफ अभी नहीं जाना, ठीक है, परफेक्शन की तरफ काम को लेके जाना है, लेकिन स्टार्ट तो करें, फिर आप अपने एक्सपीरियंस से परफेक्शन की तरफ जाओ। जी नंबर मैं पोस्ट देख लूंगी। अच्छा मोहम्मद इमरान, ये आपके जो है कि आप नालायक हैं, जिससे हम जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था 10 जून को, आज भी वहीं पर हैं। बैच 6 मंथ कौन, बच्चे बैच बेशक 12 मंथ का भी हो जाए ना तो भी आप जब तक तो खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी जिस तरह से आप पहले गिग्स के बारे में पोस्ट कर देते थे ना एडवांस में, या आप जिस तरह से बात करते थे, ट्रस्ट मी, मैंने सोचा था कि अगर मैं किसी की गिग बेस्ट देखूंगी ना तो वो आपकी होगी, लेकिन जब मैंने आपकी गिग देखी ना तो मैं हैरान हो गई कि ये आपने गिग कैसे क्रिएट कर लिया है। उसमें आपने डिस्क्रिप्शन भी ठीक नहीं लिखी थी, कीवर्ड भी टारगेट नहीं किए थे, डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ 4-5 लाइन सिंपल से लिख दी थी। तो अगर आप बच्चे प्रैक्टिस नहीं करोगे, जस्ट वो चीज़ कहते रहोगे कि ये चीज़ तो मुझे आती है, आप वो चीज़ सुनोगे नहीं तो उसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं पहले भी कहती हूँ और अब भी कहती हूँ कि मैं अभी भी जो है ना कहीं पर ट्रेनिंग की बात हो तो मैं कहूँगी हाँ मैं भी ट्रेनिंग लूंगी। क्यों? क्योंकि नॉलेज फ्रेश रखना होता है। और मैं अगर किसी से, मुझे कोई चीज़, मुझे हर एक चीज़ पता भी है ना, SEO में मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रही हूँ SEO के, बट फिर भी ना जब मेरे साथ कोई और बंदा होगा ना, उसका भी फील्ड SEO है, तो मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी, हालांकि मुझे उसका आंसर पता होगा, लेकिन मुझे पता होगा इसको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं उससे जरूर पूछूंगी कि उसका क्या जवाब है, उसके पास क्या नॉलेज है, मे बी मेरी चीज और उसकी चीज में थोड़ा
सा डिफरेंस हो फिर मेरी और उसकी वाली जो बात है, जब वो कंबाइन होगी तो कैसा रिजल्ट आएगा? ऑब्वियसली जबरदस्त रिजल्ट आएगा। जब दो बंदों का एक्सपीरियंस मिलेगा तो कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये आपने आप इस चीज को सीखो। और कभी भी ये नहीं कहना कि आपके पास कंप्लीट नॉलेज है, ऐसा नहीं होता। अब बच्चे रैंक हो जाती हैं, टाइम लगता है। अब रैंकिंग ऐसे नहीं होती कि आपकी गिग फौरन से अप आ जाए। टाइम टू टाइम फाइवर जो है वो गिग्स को अप डाउन करता रहता है। ऐसा भी टाइम आता है कि जो टॉप पे होती है वो एंड पे चली जाती है, और जो लोग जिनकी एंड पे गिग्स होती हैं, जिनकी रैंक नहीं होती, वो ऊपर आ जाती हैं। फाइवर चांस देता है। अगर आपको रेलिवेंस से बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है तो आप रेलिवेंस से कर लो, उसमें भी कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ कहा था कि आपने टैग्स बेस्ट सेलिंग से सर्च कर लेने हैं। टैग्स और डिस्क्रिप्शन भी, डिस्क्रिप्शन का तो मैंने आपको ये कहा था, बल्कि टैग्स का मैंने कहा था आपको कि आपने हर एक उसमें रेलिवेंस में भी, बेस्ट सेलिंग में भी और उसमें न्यूएस्ट में भी टैग्स में ये चीजें ओपन करनी है। और डिस्क्रिप्शन मैंने बेस्ट सेलिंग में कहा था क्योंकि वहां पर डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखी हुई है। और डिस्क्रिप्शन में आपने जस्ट आइडिया लेना है, वहां से आपने आइडिया लेना है कि उन्होंने लिखा क्या गया है। बच्चे डिस्क्रिप्शन में जो है ना, अब जैसे बैकग्राउंड रिमूवल की हमारी एक थी, तो आप बैकग्राउंड दो बार टाइटल में यूज नहीं कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी ऐसी लिमिटेशन होती है, अब वो चीज ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते तो आपको चेंज करनी पड़ती है। नेम पिक्स के ऐसे होंगे कि जहां पर वो आपकी पिक्स सेव पड़ी है ना, उनको जाकर राइट क्लिक करके रीनेम कर दो और कीवर्ड्स उसमें सेव कर दो, और यहाँ पर फाइवर में आके अगेन अपलोड कर दें। मोहम्मद इमरान, ये जो आप 10-15 ऑर्डर्स लेने की बात कर रहे हैं, मैं कभी भी ये चीजें रिकमेंड नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये चीजें जो है ना, एक ब्लैक हैट कह लो, अब ये एक ब्लैक हैट चीज जो हम कह रहे हैं वो व्हाइट हैट है। अब देखो 10-15 ऑर्डर लेने से कोई गिग को इतना खास बूस्ट नहीं मिलना। ऊपर से जो है ना, फाइवर टाइम टू टाइम जो है बायर्स के अकाउंट भी चेक करता रहता है, उनके अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं। उनकी जो है ना, ये जो रिव्यूज भेज रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाई हुई होती हैं और एक ही पेमेंट मेथड यूज कर देते हैं। फिर जब इनका पकड़ा जाता है ना ये सारा काम, तो जो जो इनसे रिव्यूज लेके बैठे होते हैं ना, उनकी प्रोफाइल्स भी गई। और जब वो प्रोफाइल जब जाती है ना, तो फिर समझो कि वो गई बिल्कुल। आप सोचो ही ना उस प्रोफाइल के बारे में। या तो फिर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा, या फिर वो जो है ना डेड हो जाएगा, ये कह लें। तो ये चीज बहुत रिस्की है, कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करती। हाँ, आप प्रमोशन कर सकते हो, आप फेसबुक पेजेस पे प्रमोशन कर सकते हो, वहां से आपको रियल बायर्स मिलेंगे। आप जो है इस तरह से कर सकते हो, गिग लिंक शेयर करो फेसबुक पे, आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास कोई एक बंदा है जो पाकिस्तान में है, फेसबुक पे आपको ऑर्डर देना चाहता है, आप उसको को मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, आप मुझे फाइवर पे ऑर्डर कर दो। इस तरह से आप जो है ना लेके जाओ, तो वो जो है ना आप उसमें फायदा आपको हो सकता है। लेकिन मैं कभी भी रिव्यूज बाय करने का नहीं कहूंगी जी। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बंदे को बस खत्म ही कर देता है। वो बंदे को सिर्फ ये होता है कि कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है। बच्चे टैग और डिस्क्रिप्शन, बिलाल आपने टैग्स तो आपने हर तरह से देखने हैं। रेलिवेंस में भी आपने 5-6 गिग्स ओपन करके देखनी है, बेस्ट सेलर जो था वहां पे बेस्ट सेलिंग में भी 5-6 गिग्स ओपन करके देखनी है, और न्यूएस्ट अराइवल में भी 5-6 गिग्स ओपन करके आपने वहां से टैग्स देखने हैं। सबके टैग्स अपने पास सेव रख लें और वहां से आप जो है देखें कि कौन से टैग जो है वो आ रहे हैं आपके पास, रिपीट हो रहे हैं। मतलब एक टैग है तो वो हर बंदे की गिग में वो आ रहा है, तो आपने वो टैग यूज करना है। इस तरह से आप टैग ले सकते हो। अच्छा, ये भी है कि भाई वो कीवर्ड अच्छे से टारगेट नहीं करते, फिर भी ज्यादा ऑर्डर आते हैं। बच्चे वो ओल्ड हो सकते हैं, या फिर उन्होंने भी ऐसे ही
ऑर्डर्स लिए होते हैं, लाइक फेसबुक पे अगर उन्हें कोई ऑर्डर दे रहा होता है तो वो कहते हैं फाइवर पे आ जाओ। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके क्लाइंट्स, लाइक अगर आपके पास इंडिया का एक क्लाइंट है तो आपका वहां पे डायरेक्ट पेमेंट का मसला आ जाता है, आप इंडिया में डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो फाइवर को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं पेमेंट के लिए। ये चीज भी होती है और इस तरह उनकी गिग भी बूस्ट हो जाती है जी। आप मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, ये ग्रुप भी रहेगा, उसके अलावा आपको एक और ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर लें तो उसमें जो है आप फिर कर सकते हैं कि मुझे टैग कर दें अगर आपको कोई मसला है तो, वहां पर आप मुझे मेंशन कर सकती हैं, टैग कर सकती हैं पोस्ट में, वहां पर भी हो जाएगा, इस ग्रुप में भी होगा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा, अच्छा आवाज़ कम आ रही है, 2 बच्चे कह रहे हैं आवाज़ का इशू है, ज़रा बता दें मुझे। इरम ग्रुप में वो लिंक है बच्चे, आप देख लें एक बार, वहाँ पोस्ट है ग्रुप में। या आसमा आप एक काम करें, उस ग्रुप का लिंक प्लीज कमेंट कर दें, आप उस ग्रुप में है ना। अच्छा मैं फेसबुक इन्विटेशन या किसी दोस्त वगैरह से करवाए ऑर्डर ना मिले तो फाइवर ये नोट करता है कि इसकी कुछ खास गिग नहीं, ऑर्डर नहीं आ रहे तो डाउन हो जाती है जी। बच्चे ऐसा मसला होता है, आपने फ्रेंड्स से जो है इन्विटेशन नहीं दिलवाने, आपने फेसबुक से बेशक आप कर लो, आप जो है ना फेसबुक से बेशक आप कर लो, लाइक आप शेयर करोगे वो आपकी ऑर्गेनिक होंगे, वो रियल बंदे आएंगे, लेकिन फ्रेंड्स तो आपको पता है उसने ऑर्डर नहीं देना, उसने जस्ट इंप्रेशन ही देने, तो वो जो है ना आप उसको थोड़ा अवॉइड करें। अच्छा अभी भी नहीं, ये तो इधर उधर तो नहीं हुआ था, बट अभी भी इशू है तो मुझे बता दें, मैं थोड़ा सा खुद ऊंचा बोल लेती हूँ, मुझे जरा क्लियर कर दें कि अब वॉइस ठीक है, सबको आवाज ठीक आ रही है। अभी भी वॉल्यूम कम है, 1 सेकेंड। अब जरा मुझे बताएं। अच्छा आवाज क्लियर है, इरम कह रही है अभी क्लियर है जी। निम्रा मैं पोस्ट देखूंगी, 1 सेकंड में थोड़ा सा ये प्रोफाइल वाला जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है वो मैं देख लूं। अच्छा मैं 1 सेकंड यहाँ पर, ये ग्रुप है आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। नूरन अगर इंप्रेशन और क्लिक्स आ रहे हैं तो बच्चे आपके पैकेजेस या आपके डिस्क्रिप्शन में इशू है, आप वो चीज चेक करो। आपको देखो आपकी इमेज देखो, आपने कीवर्ड टारगेट ठीक किए हैं तब भी तो वो कहीं ना कहीं आपकी गिग शो हो रही है, लोगों को जब आपकी गिग नजर आती है वो क्लिक भी करते हैं, इमेज अच्छी है या आपने वहां पर अच्छे सैंपल्स लगाए हुए हैं तो वो वहां पर आप क्लिक भी करते हैं, लेकिन जब वो क्लिक करते हैं तो उनको आगे या तो समझ नहीं आती कि आप क्या चीज ऑफर करने वाली हो, आप क्या कर रही हो, या फिर उनको जो है ना वो चीज आप वहां पे उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हो, उनको आप कन्विंस नहीं कर पा रही हो ऑर्डर के लिए, तो वहां पे जो है पैकेजेस और डिस्क्रिप्शन जो है वो आप अगर उस पर थोड़ा सा देखें तो आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। निमरा अच्छा उसके अलावा अब भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, अदरवाइज हम चलते हैं थोड़ा सा अपर की तरफ।
किसी का कोई इसमें अब भी हो क्वेश्चन, गिग्स से रिलेटेड, फाइवर से रिलेटेड, तो वो पूछ लें। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट ने लैंडिंग पेज का पूछा था। लैंडिंग पेज को आप लीड जनरेशन भी कह सकते हो। ये थोड़े से मैंने टेक्निकल टर्म यूज कर लिया है। अब इसका क्या मतलब होता है? एक स्टैटिक पेज होता है और स्टैटिक पेज के ऊपर आपने उसको इस तरह से डिजाइन किया, लाइक आप कोई एक चीज सेल कर रहे हो, तो आप उसके एक सब डोमेन में जो मर्जी है उस पर एक जो एलिमेंटरी प्लगइन को यूज करके, या इस तरह से जो है पेज बिल्डर होते हैं वो यूज करके आप जो है ना, तो वो आप यूज करके एक पेज बना सकते हैं। वहां पे आप रिव्यूज शो करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, डेमो दे सकते हैं, और वहां पर एक बटन होता है क्लिक टू बाय का, और वहां से जो है लोग चीजें बाय कर लेते हैं। ये बेसिकली लैंडिंग पेज होता है। ये एफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए भी होता है। अच्छा, ई रोजगार में जी इकॉम की ट्रेनिंग आ रही है। जी आ रही है, बिल्कुल। मोहम्मद इमरान ट्रेनिंग बिल्कुल आ रही है, और एडमिशन्स तो हो गए आई थिंक। अच्छा, अब हम चलते हैं अपवर्क पे। अपवर्क पे जाने के बाद यहाँ पर मुझे कोई एक रिसेंट जॉब में वेबसाइट साइट ऑडिट का एक नज़र आ रहा है, और डिज़ाइन में हम नहीं जाने वाले, और ये एक ये तो एसईओ का हो जाएगा, तो ये आपको शायद समझ ना आए। अच्छा, हम यहाँ पर सर्च करते हैं कीवर्ड रिसर्च में। अच्छा, साइट ऑर्डर में क्या कह रहे हैं? वी जस्ट पुट आवर वेबसाइट क्रिएटेड बाय मिक्स टेम्पलेट, लुकिंग फॉर एसईओ कंटेंट मार्केटिंग एक्सपर्ट दैट कैन ऑडिट द साइट एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स, वेबसाइट स्पीड, इमेज कंप्रेशन, डुप्लीकेट कंटेंट, एनीथिंग वी डोंट नो, प्लीज शेयर एग्जाम्पल अबाउट दैट वी कैन एक्सपेक्ट। अच्छा, अब ये एक चीज कह रहे हैं। अब हमने देखा, पहले तो हमें जॉब समझ आ गई, ठीक है भाई हमने करना क्या है। ये साइट ऑडिट का कह रहे हैं कि जो है ना, हमें रिकमेंडेशंस चाहिए ऑन पेज एसईओ के हवाले से, कीवर्ड के हवाले से, वेबसाइट स्पीड और ये सारी चीजें। पहले तो हम देखेंगे रिव्यूज क्या है, बंदा कहाँ से है, ज्वाइन कब किया है, स्पेंड कितना किया है, ये कुछ चीजें होते हैं। सबसे पहले रिव्यूज, अच्छे रिव्यूज हैं, ये हांगकॉन्ग से है, ठीक है। 12 जॉब्स इसने पोस्ट की हैं, 3 ओपन है, 92% हायर रेट है, जबरदस्त है। और इसने जो है 1K+ डॉलर जो है स्पेंट इसका है, तो ठीक है भाई। ओल्ड है, स्पेंट अच्छा है, तो ठीक है। प्रपोजल्स इज लेस देन 5, ठीक है भाई। फिर हम क्या करेंगे, इस बंदे का नाम ढूंढेंगे। नाम कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, ये रहा नाम। हम थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं, यही नाम है, और भी देख लेते हैं, ये यही नाम है भाई इस बंदे का। तो इसको हम हेलो हाय करेंगे, और इसको यहाँ से आप प्रपोजल सबमिट करना स्टार्ट कर दोगे। अब बच्चे, आप ये लैब मैनेजर से प्लीज वेरीफाई कर लें कि आप दोबारा कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पर बता रहा है बाय माइलस्टोन या बाय प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर जो है माइलस्टोन कैसे कर सकते हो आप, कर दो कि आप जस्ट जो है ना ऑन पेज का करके उसको बताओगे। ऑन साइट और ऑन पेज एक ही बात होती है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एसईओ, ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन, ऑन साइट एसईओ, ये एक ही चीज का नाम है। तो आप ये सिर्फ करके दोगे, इसका आप यहाँ पर लिख दोगे, और आप जो है ना, इसने टोटल कितनी दी हुई है, 5 अगर दी हुई है ना, तो $10 आप इसका कहो कि मैंने चार्ज करना है। आप यहाँ पर ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन लिख दोगे, यहाँ पर डेट की कब तक आप इसको कंप्लीट करोगे, और यहाँ पर अमाउंट लिख दोगे कितना करोगे। ये आपका एक माइलस्टोन होगा। अगर वो आपके ऑन साइट वाले काम से सेटिस्फाई होगा, तो नेक्स्ट जो आपका माइलस्टोन होगा वो कीवर्ड्स का होगा, फिर वेबसाइट स्पीड का इस तरह से, या फिर आप बाय प्रोजेक्ट कर सकते हो कि आप ये सारी चीजें उसको करके दोगे। बाय प्रोजेक्ट पेमेंट होगी, वन टाइम पेमेंट होगी, और ये इसने जो है $50 बजट लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप देख बता सकते हो कि ये कितना भी टाइम लेगा, तो हम इसको कर देते हैं लेस देन 1 मंथ।
अच्छा कीवर्ड प्लानर की कैंपेन आ जाती है, उसकी कुछ समझ नहीं आती। और दोबारा बच्चे आप लैब मैनेजर से कांटेक्ट कर लें कि क्या आप किसी और जो है उसमें दोबारा कर सकते हैं। वैसे मैंने ये जहाँ तक मुझे पता है तो एक जो है ना आईडी कार्ड नंबर जो अगर है उस पर रजिस्ट्रेशन हो गया तो दोबारा नहीं होती। अब ये मुझे कंफर्म नहीं है कि उसी डोमेन में नहीं होती या फिर किसी और में भी नहीं होती। तो अच्छा यहाँ पर हमने हायर स्टार्ट कर दिया यहाँ से भी। अच्छा अब कोई मुझे बताएगा हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? कोई यहाँ पर मुझे बता सकता है? बच्चे डिपेंड करता है रम प्रोजेक्ट पे। आप देखें अगर कोई रैंकिंग का है तो वो तो ऑब्वियसली मंथ्स लेगा, काफी मंथ्स लेगा। रैंकिंग कोई हफ्ते की बात तो है नहीं, वो तो ईयर्स की बात होती है, मंथ्स की बात होती है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जस्ट ये ऑडिट है तो ऑडिट तो लेसन वन वन में इजिली हो जाता है, तो हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा कोई मुझे बता सकता है? जी प्रपोजल तो लिखेंगे, लेकिन प्रपोजल में हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे मैंने स्टार्ट तो कर दिया, मैंने हाय तो उसको कह दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, तो जरा आप लोग मुझे जल्दी से जो है ना एक प्रपोजल लिख के दिखाएं कि आप लोग क्या प्रपोजल लिखोगे। अगर आपको हो तो मैं आपको ये जॉब का लिंक भी प्रोवाइड कर देती हूँ कमेंट्स में। मैं यहाँ पर ये जॉब है, आप खुद भी इसको ओपन करके पढ़ सकते हो। जी बच्चे अभी करें। कमेंट में लिख दे बच्चे, कोई मसला नहीं है। आप खुद मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप लिंक से कर लें। बच्चे ये एक रिलैक्सेशन होती है कि अगर लास्ट है ना सेमेस्टर तो वो कर सकते हैं एनरोल। ये रिलैक्सेशन होती है कि अगर लास्ट है तो उसमें जो है ना लास्ट सेमेस्टर वाले बच्चे एनरोल कर सकते हैं। जी यही नेम है निम्रा, आप ये नेम यूज कर सकती हैं। और जल्दी जल्दी से
अच्छा, यहाँ पर एक हमारे पास आई है, दिस विजिट एज यू आर लुकिंग फॉर अ साइट ऑडिट एंड हैज़ नॉट मच डिटेल्ड नॉलेज, सो आई एम हेयर टू प्रोवाइड यू द सर्विसेज ऑफ साइट ऑडिट. आई हैव बीन वर्किंग फॉर साइट ऑडिट सिंस 2 years. आई विल डू वर्क फॉर योर वेबसाइट टू रैंक अगेंस्ट योर कंपिटिटर्स. आई विल प्रोवाइड यू डिटेल्ड सर्विसेज फॉर योर रिक्वायरमेंट्स एंड अपडेट यू विद टाइम. होप सो यू कैन बी हैप्पी विद माई वर्क. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वर्क विद यू. ठीक है बच्चे, ये कुछ सही है और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. जैसे कि यहाँ पर आपने साइट ऑडिट में ये नहीं बताया कि आप क्या करोगी, जो पॉइंट्स उसने बताए हैं उनमें आप क्या करोगी, ये चीज़ आपने मिस की है. जी क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं, बट हर चीज़ में वो एक कंपलसरी चीज़ में नहीं है, बट अच्छा रहता है वो. अच्छा, किसी और ने अभी तक नहीं लिखा प्रपोजल?
अच्छा, आई विल प्रोवाइड साइट ऑडिट रिपोर्ट एंड रैंकिंग कीवर्ड्स फॉर योर साइट, ऑल्सो हेल्पिंग यू इन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर काउंटर विद ऑर्गेनिक कीवर्ड्स. सही है, बट आप इसको आई विल को रिप्लेस कर दो, यू विल, आई विल प्रोवाइड को बिल्कुल रिप्लेस कर दो, यू विल गेट. आई की जगह आप यू जितना यूज करेंगे उतना बेटर होगा. कोई मसला नहीं, इंग्लिश वीक का इतना मसला नहीं होता, मेरी भी कोई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, तो आप ग्रामरली यूज कर सकती हैं. वैसे भी फ्रीलांसर्स की इंग्लिश ऐसे होती है, कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं उनको खराब इंग्लिश में ही समझाना पड़ता है, उनको अच्छी इंग्लिश समझ ही नहीं आती. वो कहते हैं इससे तो कम्युनिकेट करना ही भी मुश्किल है. डिफरेंट जो है ना कंट्रीज से क्लाइंट्स होते हैं, तो जरूरी नहीं सबकी इंग्लिश अच्छी ही हो, ये चीज़ आपने नहीं माइंड में रखनी. अच्छा, किसी और ने प्रपोजल लिखा तो बता दें. ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बच्चे वो होते हैं जो आपके कंप्यूटर्स या आप रैंक कर रहे होते हैं. ऑर्गेनिक कीवर्ड्स रैंक मतलब ऑर्गेनिक कीवर्ड्स मतलब रैंक कीवर्ड्स, चाहे वो आपकी साइट उस पर रैंक करिए, चाहे आपके कंप्यूटर्स की साइट करिए, जो भी साइट जिन कीवर्ड्स पे रैंक करी होती है हम उनको ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कहते हैं. रिलेटेड कीवर्ड्स ये होते हैं कि आपकी कीवर्ड से जो है ना रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनको हम रिलेटेड कीवर्ड्स कहते हैं. आई थिंक और किसी ने भी नहीं प्रपोजल लिखा. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रपोजल का बता देती हूँ, जो अभी मैंने जल्दी से एक लिखा है यहाँ पे. हाई का हो गया और मैंने इसको बताया कि आई रीड योर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड केम टू नो यू नीड साइट ऑडिट विद रिकमेंडेशन. इसको थोड़ा मैंने जो है कैपिटल में लिख दिया है और मैंने यहाँ पे इसको बता दिया है. अब उसको एक चीज़ समझ आ गई कि मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ ली है. उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑडिट का बता दिया है, ये चीज मैंने बता दी है कि एन ऑडिट इज इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ्स वीकनेस एंड पोटेंशियल ऑफ योर वेबसाइट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस. अब मैंने यहाँ पे किया, आई विल प्रॉपरली ऑडिट योर वेबसाइट एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू फिक्स इशूज इफ एनी. मतलब अगर इशूज हैं ही नहीं तो मैंने क्या रिकमेंडेशन प्रोवाइड करनी है. अगर ऑलरेडी ही उसने पहले ही बता दिया कि उसकी भी न्यूज साइट है, तो हम उसमें, अब न्यूज साइट पे इमेजेस थोड़ी सी ही हैं, तो फिर ऑब्वियसली हम उसमें क्या रिकमेंडेशन देंगे कि आपने इसको कैसे फिट करना है या क्या इसमें आगे होगा. ये देखो, या जस्ट पुट आवर वेबसाइट, न्यूज साइट है, ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन. अब उसका नहीं पता, उसने यहाँ पर अपना लिंक नहीं शेयर किया, तो इसलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं पता यहाँ पर. अब यहाँ पर ये चीज मैंने लिखी है. अब यहाँ पर एक चीज जो है, अभी मैंने एक चीज बताई है कि उसने लिंक शेयर नहीं किया, तो ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि कैन यू शेयर योर वेबसाइट यूआरएल सो आई कैन एनालाइज इट प्रॉपरली, इस तरह से जो है ना, या आई कैन चेक नीच या मेन कीवर्ड, या इस तरह का कुछ भी आप पूछ सकते हो उससे. तो और आप इसमें या तो फिर ये भी पूछ सकते हो कि आप यूआरएल शेयर कर दो ताकि मैं देख लूँ उस पर कितना कंटेंट है, कितनी इमेजेस हैं, या उसमें अभी क्या है. बच्चे मैं देखती हूँ नंबर आपका प्रपोजल, तो ये कर सकते हैं. उसके अलावा मैंने यहाँ पर इसको बता दिया कि वो उसको मिलेगा क्या. यू विल गेट अ डिटेल रिपोर्ट विच इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट नीड्स टू इम्प्रूव एंड रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू इम्प्रूव, कि आपको एक डिटेल रिपोर्ट मिलेगी जिसमें वो सारी चीजें होंगी जो इम्प्रूव करने की जरूरत होगी और रिकमेंडेशंस होंगी कि इनको कैसे इम्प्रूव करना है. फिर मैंने बता दिया सैम्पल रिपोर्ट इज अटैच टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट यू विल गेट. मैंने एक सैम्पल रिपोर्ट भी अटैच कर दिया, मेरा प्रीवियस वर्क है, मैंने सैम्पल प्रिपेयर करके रखे हैं कि आप, ताकि उसको अच्छे से ये चीज समझ आ जाए कि उसको एट द एंड मिलेगा क्या. ऐसा ना हो बाद में वो कहे कि नहीं, मेरे तो ये भी समझा था मैंने कि आपने मुझे फिक्स करके देनी है. रिकमेंडेशंस और फिक्स करने में फर्क है. आप रिकमेंड कर दोगे कि ये चीज आप इस तरह से फिक्स कर सकते हो, आपका काम खत्म. लेकिन
फिक्स का क्या मतलब है कि आप वो रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करके उसको फिक्स करके रिजल्ट दोगे। तो यहाँ पर एक चीज मैंने उसको क्लियर कर दी है कि मैंने रिपोर्ट देनी है और इस तरह से जो अटैच रिपोर्ट है इस तरह का आपका काम आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बोनस कर दिया, अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस करके इसको यहाँ पे कर दो। और मैंने कहा आई विल लुक यूर रिसर्च फॉर यू एंड प्रोवाइड यू, कर देते हैं प्रोवाइड यू गोल्डन कीवर्ड्स, जिसको थोड़ा सा मैंने कैपिटल में कर दिया, इजी टू रैंक, उसको बता भी दिया, मे भी उसको ये ना पता हो कि गोल्डन कीवर्ड्स क्या है, तो इजी टू रैंक, इजी टू रैंक बता के टू रैंक यू हायर, ये चीज मैंने कर दी। अब बोनस में कंपिटिटर एनालिसिस का कह सकते हो कि मैं कंपिटिटर एनालिसिस करके दे दूंगी, और फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि क्या चीजें जो है उन्होंने बेटर की हुई है आपसे, आप वो चीज यहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पर मैंने कह दिया मैसेज मी फॉर मोर डिस्कशन अबाउट योर निच एंड मेन कीवर्ड, ये थोड़ा सा मैंने उसे कह दिया ताकि जो है ना वो मैसेज करे कि वो अपनी नीच बताए मुझे, और उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड और थैंक्स कर दिया है इस तरह का एक। ठीक है मोहम्मद इमरान बच्चे, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है खुद ही, मैंने पहले ही कहा था कि आपने साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना, बेशक प्रपोजल सेंड ना करें भी प्रैक्टिस तो करें। अच्छा निम्रा का प्रपोजल है, इट्स फेयर टू मीट यू आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन दैट कम्स इन माइंड, आई कैन लुक यूर सेल्फ फॉर यू बट यू डिडंट प्रोवाइड द नीच वर्क टू यूर। बच्चे आपका स्टार्ट बिल्कुल गलत है, आप कीवर्ड रिसर्च की बात क्यों कर रही हो, उसने तो कीवर्ड रिसर्च का कहा ही नहीं है, उसने तो साइट ऑडिट का कहा है। तो आपने जो है ना ये कीवर्ड रिसर्च की बात नहीं करनी, आपने वो करना है साइट ऑडिट की बात करनी है। अब आपने यहां पर आई 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 किया है तो आई को रिप्लेस करो यू। अब यहाँ पर अब जैसे मैंने वो आसमा को बताया था, उन्होंने कहा था आई विल प्रोवाइड, तो आई विल प्रोवाइड को रिप्लेस कर दो यू विल गेट, उसको आई में इंटरेस्ट नहीं है, उसको यू में इंटरेस्ट है, उसको क्या चीज मिलेगी, हम क्या हैं क्या करेंगे, वो चीज एक अलग चीज होती है। अच्छा हाँ ये आपने अच्छी बात की है कि आई कैन ऑल्सो ऑडिट द साइट ऑफ योर कंप्यूटर सो यू कैन डू बेस्ट बाई एग्जामिनिंग देयर वर्क। आप यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकते हैं कि मैं उनकी साइट को ऑडिट करके भी आपको दूंगी ताकि आपको जो है ना एक चीज पता चल जाए कि वो क्या चीज बेस्ट कर रहे हैं और क्या चीज उनकी जो है ना सही नहीं है, ताकि आप वो भी ऑप्टिमाइज करके आप जो है उनको आउट रैंक करें। अब डेफिनेटली अगर जो जो उनकी कमी है आप वो कमी अपनी साइट में पूरी कर दें तो आपकी साइट ज्यादा अच्छी तरह से रैंक होगी। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स का आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, वो डेफिनेटली आपको अपनी साइट का यूआरएल देंगे तो ही जो है वो आगे होगा। अपवर्क पे थोड़े से जो होते हैं ना उनको आइडिया होता है चीजों का। ठीक है इस तरह से आपने करना है, प्रपोजल लिखना है इस तरह से। और फिर आपने सबमिट प्रपोजल कर देना है। अच्छा अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन किसी का भी रहता है या कुछ जो पहले हमने स्किप किया हो कि हम भी प्रोफाइल क्रिएशन देख लें और बाद में वो चीज़ करेंगे, तो वो अब अपना जो है वो करें क्वेश्चंस। अच्छा हाँ मैंने पोस्ट चेक करनी है, ठीक है हाँ लिख सकते हैं आसमा, ये आप इस तरह की लाइन लिख सकती हैं। ये फाइबर पे जो नोटिफिकेशन निमरा शो हो रहा है ना ये आ जाता है, ये थोड़ा सा इशू होता है साइट का क्लाउड फ्लेयर अटैच होता है तो उस वजह से भी होता है, ये कोई मसला नहीं है, ये उनके अपने सर्वर का मसला है तो आप इसको इग्नोर कर दें। सॉरी थोड़ा लेट हो गई मैं पोस्ट में, इसमें आपका कोई मसला नहीं, आप रिट्राई फॉर लाइव कर सकती हैं या रिफ्रेश कर लें तो जो है ना वो हो सकता है फिर से वो हो जाएगा, कभी कभी साइट डाउन हो जाती है। अच्छा आसमा जी क्या रहता है बताएं। ठीक है मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड मैं एचरेफ ओपन कर लूँ।
जी ऑर्गेनिक कीवर्ड्स गोल्डन कीवर्ड्स ही होते हैं। अब यहाँ पर मैं ओके किधर गई, एक ये वाली साइट ओपन कर लेते हैं। अब बच्चे जो ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, मतलब इन कीवर्ड्स पे ये साइट रैंक कर रही है, ये हो गए ऑर्गेनिक कीवर्ड्स या गोल्डन कीवर्ड्स। अगर ये वाली साइट इस पे रैंक कर रही है, हमारे कंपटीटर मैंने बताया था हाई अथॉरिटी स्टार्ट में नहीं होते, वो होते हैं जो हमसे थोड़ा सा, हम 10th पोजीशन पे हैं तो वो 8th पे हैं। मतलब अगर 8th वाला इन पे रैंक कर सकता है तो हम भी कोशिश करें और उनको जो जिस तरह से वो कर रहे हैं वो चीज़ फॉलो करें, या हम उनसे थोड़ा बेहतर करें तो हम रैंक कर सकते हैं। ये हमारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स या रैंक कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ये एक कीवर्ड है। ये जो हमारे कीवर्ड आएंगे जिन्हें हम LSI कीवर्ड्स भी कहते हैं, ये हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स जो होंगे, ये हमारे होते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स। जो देखें ये जैसे एंड आइस आ गया, उसके बाद फॉर एवरीथिंग आ गया, 2021 आ गया, इस तरह की जो चीजें आ रही हैं ये हमारे रिलेटेड कीवर्ड हैं। उस चीज से जो रिलेटेड एक चीज होती है वो जो होती है उसको हम रिलेटेड कीवर्ड्स कहते हैं। हम उस कीवर्ड का इंटेंट बताने की कोशिश कर रहे थे। जैसे आप एप्पल वाली एग्जांपल देखो तो उसमें एप्पल से रिलेटेड कीवर्ड क्या होता है, फ्रूट है तो वो ग्रीन एप्पल और इस तरह का आएगा, रेड एप्पल, और अगर वो कंपनी है तो उसमें फिर आईफोन आएगा, और इस तरह की चीजें कि जिसमें हम ये बताना चाहें कि ये इस वो ये वर्ड है किस चीज के बारे में। अब डिफरेंट मतलब होता है ना, जैसे एप्पल ही को ले लें तो एप्पल के डिफरेंट मतलब है, फ्रूट भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं वो हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं। पोस्ट ग्रुप में नहीं हो रही, पता नहीं बच्चे, मुझे तो अभी इसका नहीं पता। अभी मैंने एक पोस्ट देखी है, आपका नेट का इशू होगा शायद, रीट्राई कर ले। बच्चे आप ऐसे ही सर्च करके दे सकते हो आप गूगल, तो यहाँ पर एक गूगल क्लेनर का भी को मसला तो था। मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूं यहाँ पर, ये कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं कि कहाँ लेके जाता है। आप ये गूगल प्लानर भी यूज कर सकते हो, और उसके अलावा आप गूगल ही यूज कर लो और इस तरह से कर लें, वो भी हो सकता है। आप उससे भी फाइंड कर सकते हो, आप टूल्स भी फाइंड कर से टूल से भी फाइंड कर सकते हो, लाइक keywords.io इस तरह से। थोड़ा सा नेट इशू है, मैं ये वैसे हम पहले हमने ये किया हुआ है, अगर आप ये फुल लोड होगा तो ही, ये प्लानिंग में आपके पास एक कीवर्ड प्लानर है, आप ये कर सकते हो। यहाँ पे वैसे मैंने गूगल लिख दिया था, आप यहाँ पर कीवर्ड भी लिख सकते हो, जो भी होगा आप फर्स्ट लिंक ये भी ओपन कर सकते हो, उसमें भी कोई इतना मसला नहीं है, ये भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप गो टू कीवर्ड प्लानर कर लो, और ये आप मेरे पास तो ये ऑलरेडी इस तरह के क्रिएट हैं तो आ रहे हैं ना, तो आपके पास आएगा तो आपने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बिल्कुल न्यू होगा तो फिर आप यहाँ पर ये वाला कर लोगे, न्यू गूगल एड्स अकाउंट,
कोई बात नहीं आसमा, आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, कोई मसला नहीं है। नहीं बचेगी, गुम नहीं होगी पैकेजेस चेंज करने से, अगर बट अगर रहेगा तो फिर आप उसको जो है ना ना छेड़ें। आप इसको यस नो आपकी मर्जी है जो कर लो, यहाँ से सबमिट कर दो, उसके बाद एक्सप्लोर पे चले जाओ, और ये आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड, जहाँ पर अपना कीवर्ड लिख सकते हो, यहाँ पर डोमेन एज अ फिल्टर कर सकते हो, बट यहाँ पर आप कीवर्ड रिसर्च अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट विद अ वेबसाइट भी है, यहाँ से आप कर सकते हो एज अ वेबसाइट। हमने ये ली हुई थी, इसको करके देख लेते हैं एक बार। अच्छा, कोई भी इसने अभी रिजल्ट हमें यहाँ पर नहीं दिया। शायद ये इसका जो है ना साइट का वो ना हो अभी। ये साइट पे भी कोई खास नहीं रिजल्ट दे रहा, तो आप इसको सिंपल जो है ना वो कर ले, कीवर्ड्स के जरिए रिसर्च कर लो। कैंपेन का आप क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन कर लो, नीचे ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन होता है, और स्विच टू एक्सपर्ट मोड भी एक नीचे ऑप्शन आ रहा था, वो मैंने स्टार्ट से किया था, आप लोगों को मैंने एक ही चीज करके दिखाई दी, बट अब वो मेरा एक अकाउंट एड्स अकाउंट बन गया, तो वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, वो तब आता है जब बिल्कुल स्टार्ट होता है। तो आपने एंड पे चले जाना है, जब आपका फर्स्ट पेज आएगा एंड पे जाएंगे तो नीचे लिखा होगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड, तो आपने वो क्लिक कर देना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएंगे कि क्या कैंपेन बनाना चाहते हो, तो आप वहां पर कर दो क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन, ब्लू कलर का नीचे लिखा होता है, तो वो आप क्लिक कर दोगे, तो उससे जो है आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले। क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, फिर हम जो है क्लास ओवर करते हैं। ठीक है फिर, जो है अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।